हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने सिर्फ एक चीज ट्राई की है नहाने से पहले, और वो मैं दो तीन दिन से ट्राई कर रही हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका जो टमी एरिया है ना, वो बहुत ही जल्दी श्रिंक होने लगेगा, यानी सिकुड़ने लगेगा, अंदर जाने लगेगा। आप सब जानते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपका ऑपरेशन होता है तो पेट का जो एब्डोमिनल एरिया होता है, यानी निचला हिस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं उसके स्किन इतनी ज़्यादा डेड हो जाती है कि वो अंदर नहीं जाता है और पेट बिल्कुल सपाट नहीं होता है। ये सबके साथ होता है जिसको भी ऑपरेशन होता है। इवन ये जो दिक्कत है, ये आपके गर्ल्स में भी हो जाती है। जब उनको ज़्यादा मोटापा हो जाता है तो एब्डोमिनल एरिया लटक जाता है। ये मेन के साथ भी होता है कि उनका एब्डोमिनल एरिया लटक जाता है। पेट का ऊपरी हिस्सा तो अंदर करना आसान है, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो अंदर करना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लीजिए, वो जल्दी नहीं जाता है। डाइट भी करेंगे तो फुल बॉडी से तो फैट चला जाएगा, फेस से फैट चला जाएगा, लेकिन पेट से नहीं जाएगा गारंटी के साथ। लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, 100% उसका असर आपको एक हफ्ते में देखने को मिलेगा। यानी 1 से 1.5 इंच तक आपका एब्डोमिनल एरिया सिकुड़ने लगेगा, यानी कि अंदर होने लगेगा। और ये सिर्फ आपको नहाने से पहले करना है। वो मैं बताऊंगी क्या करना है, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसे और मुझे इसका रिजल्ट अमेजिंग मिल रहा है। और इस लॉकडाउन में मैं काफी अच्छा वेट लॉस कर रही हूँ। जो मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं, उन सबको पता है कि मेरा वेट गेन हो गया था बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से 6 to 7 kg मेरा वेट गेन हो गया था। और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इवन डाइट भी नहीं कर पाई, डाइट इन द सेंस कि प्रॉपर खाना भी नहीं ले पा रही थी। मेरा थायराइड थोड़ा सा बढ़ गया था, इन सारे कारणों की वजह से मेरा वेट जो है बढ़ गया था। लेकिन इस लॉकडाउन में मैं सही बताऊं, इतना अच्छा वेट लॉस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर। देखिए, बहुत सारे लोगों के ऐसा है, लॉकडाउन है क्या करें, लॉकडाउन है क्या करें। आप ये सोचिए कि लॉकडाउन है, मेरे पास अपने को टाइम देने के लिए टाइम है। ऑफिस जाना होता है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन इस समय आपके लिए अपने लिए टाइम है। यानी कि बहुत से, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी बालों में तेल नहीं डालती, बोलती है मुझे कल ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है। इस समय आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपको ऑफिस जाना है ना आपको कॉलेज जाना है। तो आराम से तेल डालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, कोई भी जो आपके पास हो। इसके बाद आपको चाहिए, यहाँ पे जो लाल वाली दाल होती है उसको पीस के चाहिए, और जो गोंद होता है, गोंद को आपको पीस के ही ले लेना है, मार्केट में मिल जाएगा। आपको जैतून का तेल चाहिए, आपको शहद चाहिए, जैतून के तेल ना हो तो नारियल का तेल भी चलेगा। आपको ग्लिसरीन चाहिए, एंड इसके बाद आपको चाहिए एक जार साफ, क्योंकि आपको इसे स्टोर करना है और बिल्कुल भी उसमें पानी ना हो, तो ये आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही लेस क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे बना लिया है। तो आपको एक साफ जार में एलोवेरा जेल लेना है, सॉरी फेस वॉश लेना है। इसके बाद आपको 1 टेबल स्पून यहाँ पे जैतून का तेल लेना है, जैतून का ना हो तो नारियल का भी चलेगा। इसके बाद आपको इसमें डालना है शहद, और शहद भी किसी कंपनी का हो, कोई भी ऐसा नहीं है, प्योर हो तो ज़्यादा बेटर है अगर आपके पास। तो 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में आपको ये भी ऐड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लूँगी, और ग्लिसरीन भी आपको 1 टेबल स्पून ही चाहिए। और आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी इस लॉकडाउन में भी, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें लाल वाली दाल, जिसे मसूर भी बोलते हैं, उसका पाउडर। इसका एक ऑलरेडी फेस वॉश मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आपको चाहिए गोंद, गोंद को मिक्सी में पीस लीजिएगा, और आपको उसके बाद ये ऐसा मिलेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और इसे अपने बाथरूम में रख लीजिए। बाथरूम में नहाने से पहले या नहाते समय इस चीज़ को लेके आपको अपने पेट पे बहुत अच्छे से रब करना है, लगभग 4 मसाज बहुत अच्छे से होगी, जिससे कि जो भी चर्बी उस पेट पे जमा है वो धीरे धीरे निकलेगी। और आपको इसे रेगुलर बेसिस पर करना है, पेट का एरिया बहुत चिकना होगा, पेट पे जो भी फैट जमा है वो बहुत तेज़ी से निकलेगा। और सबसे मैजिक काम इसमें जो गोंद का है, क्योंकि गोंद कहीं ना कहीं वो आपके पेट पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, पेट को सपाट करने में हेल्प करेगा, पेट पे
एक लेयर सी बांधेगा जिससे कि पेट अंदर की तरफ दबेगा। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे ये 4 to 5 मिनट अपने नहाते टाइम करना है। छोटी सी ट्रीच लगाइए अपने एब्डोमिनल एरिया में नहाने से पहले और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।